नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 20 क्वेश्चन साइंस के डाले थे, तो आप लोग उसका लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन देख लें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड होते हैं, लोग गलती भी करते हैं इन प्रश्नों पर, तो इस 15 क्वेश्चन को ज़रूर से देख लें। और इसके पहले जो 20 क्वेश्चन मैंने डाला है उसको भी आप लोग ज़रूर से देख लें। तो और एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों को जैसे पता है 24 फरवरी को AR का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का AR का एग्ज़ाम है। 17 मार्च को BPSC असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी एग्ज़ाम है और इसमें आपको प्रत्येक मतलब 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे ही जाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाए। जो क्रिस्टल है उसको जानने के लिए कि ये किस तरह का है, इसमें कैसे कैसे है, तो इसको जानने के लिए हम लोग आपको एक्सरे का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो है ये रिटर्न आ जाता है जिसके कारण हम लोग को स्ट्रक्चर पता चल जाता है, और ये दोनों पार कर जाते हैं जिसके कारण हम लोग को स्ट्रक्चर पता नहीं कर चल पाता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, UP में पूछा था मेन्स में। तो क्रिस्टल के संरचना जानने के लिए हम लोग एक्सरे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो ये दोस्तों आपको लगभग हर एक एग्ज़ाम में हो, चाहे वो BPSC हो, UPPCS हो, UPSC हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हाइग्रोमीटर है, ठीक है। कई लोग हाइड्रो मार्कर आ जाता है, तो हाइड्रो नहीं होता है, हाइग्रो होता है। तो हाइड्रोमीटर नहीं होता है, हाइग्रो होगा दोस्तों। आप लोग एकदम ध्यान से इसको देखना, हाइग्रो होता है, हाइड्रो नहीं होता एकदम, तो हाइग्रो। तो ये आप लोग देखना, ये कई रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद बिहार में पिछला बार पूछा भी गया था अभी ये। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। ये इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ये BPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था, BPSC 63। और आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन UP में 2 बार पहले पूछा जा चुका है। तो ये BPSC ने UPPCS का ही क्वेश्चन रिपीट डाला था, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे हो सकता है पूछ दे, इलाहाबाद का एग्जाम है अभी 24 तारीख को, उसमें पूछ दे, BPSC असिस्टेंट के उसमें पूछ दे। तो बिल्डिंग का प्रयोग जो होता है उसमें गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई लड़के इसमें गलत भी करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 में। तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 होता है। सोडा की जो बोतल होती है जिसके कारण गैस निकलती है, और आप लोग देखे होंगे खोलने पर आवाज़ करती है और गैस निकलती है, तो वो CO2 के कारण ही होती है वो। तो आप लोग इसको अब गलत नहीं कीजिएगा कभी भी, CO2। आजकल साइंस का जो है काफ़ी महत्व बढ़ गया है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तो सिलेबस में प्री डिफाइंड रहता है कि 25 क्वेश्चन साइंस से रहेंगे, पहले ये चीज़ नहीं रहता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हेमोग्लोबिन का कार्य आपको होता है इसमें बताइए, ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश, ऊर्जा का उपयोग, रक्त अल्पता का नियंत्रण। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन है हीमोग्लोबिन, ये कार्य करता है, ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है, फिर उससे अंदर शारीरिक का अंदर कार्य होता है। कपूर का शोधन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, डिस्टिलेशन, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। तो इसका आंसर दोस्तों होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सब्लिकेशन उस प्रक्रिया को कहता है जिसमें जो ठोस से सीधा, ठोस जो है वो सीधा आपको गैस में बदल जाता है, ठोस कोई भी है तो वो सीधा कन्वर्टेड इनटू गैस। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कपूर आपको ठोस है, आप जैसे देख देख वो जलता है तो गैस में सीधा हो जाता है, और नहीं भी रखिएगा, जलाइएगा तो धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है, उड़ जाता है, तो इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। तो कोई और कुछ ऐसा पदार्थ बताइए कमेंट में जो सब्लिमेशन जिस पे होता है, कमेंट में कीजिएगा दोस्तों उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई लोग गलत करते हैं, हमेशा गलत करते हैं, क्योंकि सबको पता है कैल्शियम जो है वो आपको हड्डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में दे देता है वो कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है और कैल्शियम फॉस्फेट देता है। ये दो जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है, कार्बोनेट और फॉस्फेट। तो इसका आंसर फॉस्फेट होता है, हमेशा कैल्शियम फॉस्फेट होता है मानव हड्डियों में सबसे अधिक। तो इसको याद रखिएगा, फास्ट क्या सबसे ज़्यादा होता है, इसको कुछ ट्रिक बना लीजिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, UP का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है साइंस के, हमेशा पूछता है कुछ ना, हर एक दो एग्जाम के बाद ये क्वेश्चन पूछ देता है।
तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है हड्डियों में सबसे ज़्यादा। फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी परत होती है? 8वां क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्सीएट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड। तो जैसा ऑप्शन है आयोडाइड तो होगा नहीं, सबको पता है, और ये क्लोराइड और इसमें फंसते हैं लोग, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड में। तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर है, फोटोग्राफी की प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड, ये आप लोग याद कीजिएगा। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है और कई लड़के गलत भी करते हैं, किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो ये क्वेश्चन जैसे आप लोग अगर यूपी भी देते हैं तो आप लोग हमेशा देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ये पपीते का रंग क्या होता है, किसके कारण होता है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, आपको मिर्च तीतापन क्यों होता है, खट्टापन अंगूर खट्टा क्यों होता है। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन मैंने डाल दिया है ताकि आप लोग को एक साथ याद रहे। तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपीन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये कैप्सिन, कैरोटीन, एंथोसाइन ये सब नहीं जाना है, टमाटर का रंग जो है लाल होता है वो लाइकोपीन के द्वारा होता है। जहाँ लाल रंग हो जाता है ना वहाँ आपको ये बस ये याद रखना, कोपीन, लाइकोपीन जो होता है वो लाल रंग का हमेशा निर्धारित होता है, निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? इसका आंसर बताएं, 0, 15, 33, 25 कैलोरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 0, पानी पीने से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। हम लोग अगर उसमें पानी में ग्लूकोज डाल देते हैं तब हमें ऊर्जा मिलती है, नहीं तो आप लोग देखते ही होंगे किसी का तबीयत खराब होता है तो उसे केवल पानी नहीं चढ़ाया जाता, उसमें ग्लूकोज या फिर कोई दवा उसमें डालकर चढ़ाई जाती है, तो कैलोरी मिलता है, खासकर कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है उससे काफ़ी ऊर्जा मिलती है, तो सिंपल पानी से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, अगर हम सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। जब मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोकना चाहिए तो इसका कौन सा रोग है? कहने का मतलब है कि किस रोग के कारण मनुष्य को यह नहीं पता चलता है कि उसे अब खाना नहीं खाना चाहिए। किसी किसी को देखे होंगे आप कि वो जो खाना खा रहा है तो कंटिन्यू खाना खा ही जा रहा है जब तक से आप उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि अब उसका पेट भर गया है। ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है और इस रोग को कहते हैं हम लोग बुलिमिया। इस रोग को हम लोग बुलिमिया कहते हैं। बुलिमिया के कारण क्या होता है कि हमें जो माइंड में सेंसर होता है जिसके कारण हमें लगता है कि अब खाना नहीं खाना चाहिए वो काम करना बंद करता है, तो इसी रोग को हम लोग कहते हैं बुलिमिया। तो बुलिमिया के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि हम लोग को अब खाना खाना है, रुकना है, ठीक है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मिर्च का तीतापन। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं टमाटर का लाल, तो टमाटर का लाल होता है लाइकोपीन और मिर्च का तीतापन होता है कैप्साइसिन। तो इसके याद कीजिएगा, जैसे हम लोग कैप्सिकम बोलते हैं ना मिर्च को, शिमला मिर्च को हम लोग कैप्सिकम बोलते हैं, बस उसे याद रखिएगा कैप्साइसिन, कैप्साइसिन मिर्च का तीतापन उसी के कारण होता है। कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन होता है? तो ये दोस्तों लगभग सब मैक्सिमम को पता होगा, एथिलीन है, जिसके कारण फल को पकाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ये भी कई एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई स्किन और लीवर में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं मोटापा वगैरह तो सोचते हैं लोग कि विटामिन ए वगैरह यहीं होगा, लेकिन इसका आंसर आपको लीवर होता है। लीवर के ऊपर जो है विटामिन भंडारित होता है, फिर वहीं से टूटता है और वह हमें पूरे शरीर में फैलता है, तो इसका आंसर आपको ए होगा, लीवर। लीवर है दोस्तों, मैंने ये छोटा छोटा इसलिए किया कि ताकि काफ़ी लंबा वीडियो ना वो बोरिंग भी हो जाता है, ऐसे 15, 10, 15 क्वेश्चन क्या होता है तुरंत से रिकॉल हो जाता है और वीडियो भी खत्म हो जाता है। अब 15 क्वेश्चन है वो बाहर भी नहीं लगता, आदमी तुरंत देख लेता है। एक और क्वेश्चन है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपाइन, लाइकोपीन, फिर टमाटर आपको हो गया लाइकोपीन, लाइकोपीन टमाटर, ठीक है। कैप्सिकम शिमला मिर्च को कहा जाता है, इसलिए मिर्च का कारण होता है आपको कैप्साइसिन। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होता है कैरिका जैंथ्रिन। तो कैरिका जैंथ्रिन, मिस्टेक है, जैंथ्रिन होता है, कैरिका जैंथ्रिन है आपको पपीते का, जब लोग पीला कलर देखते हैं वो पीले पपीता पीला कलर होता है, क्यों होता है? तो भाई इसके कारण होता है, ये मौजूद उसमें अंदर रहता है इसके कारण वो पीला, और उसके अंदर लाइकोपीन रहता है तो वो लाल रहता है, लेकिन उसके अंदर ये रहता है। तो दोस्तों ये हो गया 15 क्वेश्चन। एक और मैंने साइंस का वीडियो बनाया था
वो मैं लिंक नीचे डाल दिया हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 20, और ये 15 हो गया टोटल 35 क्वेश्चन। और AR का एग्ज़ाम है, BPSC असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, UP में भी फिर एग्ज़ाम आएगा मेंस में जून में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।